तेरी मेरी शादी हो, तेरे हाथ में मेरी रिंग हो, और तू घने प्यार से बोले कि मैं आपकी रानी और आप मेरे किंग हो। आओ सुनाओ प्यार की। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के खूबसूरत चेहरों में आने वाली गुनगुन गुप्ता के बारे में। गुनगुन ने बहुत कम एज में लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। इनकी क्यूटनेस जो कि सभी को बहुत पसंद आती है। सोशल मीडिया पर फेमस गुनगुन ने कैसे इतना बड़ा नाम बनाया और कैसे ये वायरल हुई, आज के वीडियो में हम गुनगुन की एज, एजुकेशन, फैमिली, रिलेशनशिप के बारे में तो जानेंगे ही और साथ ही जानेंगे और भी बहुत कुछ। गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए हम जैसे जी रहे हैं। गुनगुन गुप्ता का जन्म 20 जून साल 2004 को दिल्ली में हुआ। जब गुनगुन छोटी थी तब इन्हें गुनगुन नाम दिया गया था, लेकिन इनकी क्यूटनेस की वजह से इनके घर वाले इन्हें कभी गुन्नी तो कभी गुन्नू कहकर बुलाते थे। ये नाम सिर्फ बचपन में ही नहीं लिए गए बल्कि आज भी इनके घर वाले इन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। गुनगुन की फैमिली में इनके मॉम, डैड और इनके दो भाई हैं। गुनगुन अपने घर में सबसे छोटी थीं, इसीलिए ये घर की लाडली भी हैं। गुनगुन अब तक अपनी स्कूली पढ़ाई कर रही थीं और पिछले साल ही इन्होंने 12th कम्प्लीट की है और अब गुनगुन ग्रेजुएशन की तरफ चल दी हैं। ये पढ़ाई में शुरुआत से ही होशियार रहीं। गुनगुन सोशल मीडिया पर चाहे कितनी भी वायरल क्यों ना हो, लेकिन ये कभी अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सब कहते हैं कि तुम हंसते बहुत हो, हंसने वालों के दिल में भी दर्द होता है। गुनगुन ने अपने सोशल मीडिया करियर की शुरुआत टिकटॉक से की, लेकिन इन्हें असली पहचान इंस्टाग्राम ने दिलाई, क्योंकि जब गुनगुन टिकटॉक पर वीडियोस डाला करती थीं, उस समय इनके घरवाले इन्हें रोका करते थे और वो चाहते थे कि गुनगुन सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जब वीडियोस के लिए इन्हें घरवालों की परमिशन नहीं मिली तो इन्होंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। जब गुनगुन ने वीडियो बनाना छोड़ा तो इनके कुछ रिलेटिव्स इनसे कहने लगे कि तुम्हारी वीडियो इतनी अच्छी होती है तो फिर तुमने वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिया। अपने रिलेटिव्स की बात सुनकर गुनगुन को लगा कि टिकटॉक पर मैं भी वायरल हो सकती हूँ। उसके बाद गुनगुन अपने घरवालों को समझाकर टिकटॉक पर वीडियोस डालने लगी। टिकटॉक पर इन्होंने एक महीने के अंदर 16,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स कर लिए। उसके बाद ही इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। गुनगुन को लगा था कि मैं जल्द ही वायरल हो जाऊंगी, लेकिन टिकटॉक बैन होने से इनका सफर शुरू होते ही खत्म हो गया। हाय, हेलो, कैसी हो? आई डोंट नो हिंदी, प्लीज टॉक इन इंग्लिश। हाउ आर यू? आई एम इन गोवा। टिकटॉक के बाद ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ी, लेकिन जब इंस्टाग्राम पर रील्स का ऑप्शन आया तो ये रील्स पर अपनी वीडियोस डालने लगी। इंस्टाग्राम पर 2 महीने में ही गुनगुन ने अच्छी फैन फॉलोइंग प्राप्त कर ली। यहाँ पर इनकी क्यूटनेस की बहुत तारीफ हुई और साथ ही इनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन भी कमाल के लगे। आज गुनगुन के इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर इनके लगभग 30,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला ला, इश्क वाला। गुनगुन की वीडियो आज बहुत पसंद की जाती हैं। गुनगुन सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ी हैं और ये अपनी वीडियो इन्हीं दो प्लेटफॉर्म पर डालती हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन्हें सिर्फ इंस्टा और यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे, क्योंकि इनके फैन इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने की सोचते रहते हैं। अगर बात करें गुनगुन के रिलेशनशिप के बारे में तो फिलहाल ये सिंगल हैं और ये अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। गुनगुन को ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है और ये कई सारी जगहों पर घूमने जाती रहती हैं। गुनगुन का एक म्यूजिक वीडियो भी आ चुका है जिसका टाइटल है सोना माही चनवरगा। गुनगुन आज अपनी क्यूटनेस की वजह से सोशल मीडिया पर अच्छा खासा नाम बना चुकी हैं। गुनगुन क्यूटनेस और एक्टिंग दोनों से ही परफेक्ट हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे कनेक्टेड रहें। मुझे शादी करनी थी तुमसे। हाँ वाला हाय कि सवाल वाला हाँ। तेरे सिवा किसी को देखा नहीं हमने, सूख गया गुलाब फिर भी फेंका नहीं हमने।